भगवान शंकर के पास ग्वाल बाल गए, जाओ बाबा को बुला लाओ। भगवान शंकर के पास आए, भगवान शंकर ने कहा चलिए आपको नंद बाबा बुलाए। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे ये कितना टेढ़ा है, दर्शन करने गया तो किवाड़ बंद करवा लिया, आप कहता मेरा दर्शन करो। बाबा जब से आप आ गए हो ना तो लाला को रोने नहीं बंद हो रहा। अरे शंकर भावुक हो गए, मेरे प्रभु मेरे कान रो रहे हैं। दौड़ पड़े वहां से, भागे भागे पहुंचे नंद के द्वार पर। जैसे पहुंचे आवाज लगाते हैं, हलक निरंजन। जैसे आवाज लगाए भैया समझ गई बाबा वही आ गए। कभी बोला करो ऐसे बोल के देखो, प्रैक्टिस करो। जोर जोर से बोलते हो, कभी ये जोर से बोला करो अलख निरंजन। जोर से बोलने का एक अलग मतलब महाराज, अब इसकी व्याख्या फिर वही समस्या हो जाएगी, इसलिए नहीं करूंगा। कुछ व्याख्या हमारे आचार्य लोग करते रहते हैं, कर्मकांड में समझाते रहते हैं भक्तों को, अच्छी बात है। अब 7 दिन में क्या क्या सुना दूंगा, कुछ तो रहने दो। ये अलग शब्द क्या है? संत लोग क्या करते हैं? अलख ही तो जगाते हैं। किसकी अलख जगाते हैं? जो निरंजन है। संतों का अलख जगाना है। संतों की मस्ती भी अलग होती है, उनकी दुनिया अलग होती है। भगवान शंकर जैसे आवाज लगाए, मैया कन्हैया को लेकर के आ गए। लेकिन एक समस्या हो गई यहां। समस्या क्या हो गई? मैया आंचल पे ढक रखी है। अब बांके बिहारी के पास तो पहुंच गए, पर पर्दा लगा है। और जब तक पर्दा ना हटेगा तो हो जाएगा। तो भगवान शंकर बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं, नहीं सुनना? नहीं सुनना? अच्छा चलो, कई बार लोग क्या करते हैं, एक अंदाज में ऐसे फिर लाते रहते हैं। अब वो हां करते हैं कि ना करते कुछ पता नहीं चलता, ऐसा होता है। अच्छा कई बार भक्त लोग कहा करते हैं कि आप भले मौन हो पर सिर तो हिला दिया करो, ऐसे ही ना, आप भले मौन हो सिर तो हिला दो ताकि कुछ तो संकेत हो। अरे सिर कैसे हिलाए, हमारे बस में थोड़ा ही है ये। जब तक आपके बस में है तब तक हर बात में यहां वहां हिलेगा, और जिस दिन ये कृष्ण के बस में हो जाएगा, राधे के बस में हो जाएगा, तो जहां चाहेंगे वहीं हिलेगा और जहां चाहेंगे वहीं झुकेगा। सर हर किसी के समक्ष झुकना नहीं चाहिए और सर हर किसी के समक्ष हिलना भी नहीं चाहिए। झुकेगा तो राधे के समक्ष, भागवत जी के समक्ष, और हिलेगा भी तो राधे के इशारे पर, भागवत के इशारे पर। भगवान शंकर के समक्ष अब समस्या होगी पर्दा की, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना, आइए थोड़ा उसका आनंद लेते हैं। वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना नारी। वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी।
के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पर आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पर आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, पर्दों में छुपना सकोगे, बंद कमरों में रहना सकोगे, लाख पर्दों में छुपना सकोगे, बंद कमरों में रहना सकोगे, लाख पर्दों में, ध्यान रखना भक्त क्या कहता है, लाख पर्दों में छुपना सकोगे, बंद कमरों में रहना सकोगे, लाख पर्दों में छुपना सकोगे, बंद कमरों में रहना सकोगे, हम तुम्हारे दरस के भिखारी, हम तुम्हारे दरस के भिखारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी,
राधा के, ओ राधा के सावर बिहारी, ओ राधा के सावर बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन 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 के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके। भक्त कहता है लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रह ना सकोगे, क्यों हम तुम्हारे दर्श के भिखारी, आना पड़ेगा ना, पर्दा से बाहर तो आएगा, अभी दिखता क्यों नहीं, क्योंकि माया का पर्दा लगा है, यानी जहां आप बैठे हो तो वो भी है, अलग थोड़ी है, आपके साथ तो है, आपके पास है, लेकिन पर्दा तो हटाओ, पर्दा हटेगा पहले अलख निरंजन को तो जानो, तो नहीं, और जिस दिन पर्दा हटा सारी समस्या दूर हो जाए। भगवान शंकर बालकृष्ण का दर्शन किए, बालकृष्ण शिव का मुस्कुराने लगे, लेकिन शंकर जी दोबारा रोने लगे, आप काहे को रो रहे हो, प्रभु आपके चरणों का जल गंगा जल में कितने युगों से धारण किया हूं, कितने युगों से धारण किया हूं। अच्छा मजे की बात यह है कि शंकर जी तो इसको गंगा जल मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में एक पात्र बड़ा विलक्षण है, केवट, जिसने इसको पानी कह दिया है, क्या दर्शन कराते हैं, क्या इनकी लीला है प्रभु। केवट ने पानी कहा था, जिस समय चरण धोने का प्रसंग आया राम जी का, रामकथा का विषय, वो अभी भोलेनाथ की नगरी में काशी में है, 4 नवंबर से राम कथा, 4 नवंबर से 12, और देव दीपावली, आप लोग दीपावली तो मनाते हैं मानव की, देव दीपावली जो काशी की है महाराज, जो कहीं की नहीं, एक ही जगह मनाई जाती है पूरे विश्व में, काशी में, और वो कार्तिक की पूर्णिमा को होती है। हम तो चाहेंगे कि हमारे भाई लोग हैं थोड़ा सा जोर लगाएंगे, अब तो बहुत ना टाइम ज्यादा हो, एक दिन दो दिन का भी हो, एक बार आओ देव दीपावली में साथ रहो ना, घर की दिवाली खूब मनाओ, यहां दिवाली के बाद आओ, 15 दिन बाद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आओ, ऐसा अवसर बार बार मिलेगा जीवन में, ये कोई गारंटी, और ज्यादा वो भी नहीं, एक दो दिन का समय है बस, ज्यादा नहीं, पूर्णिमा के दिन आ जाओ भाई, एक दिन पहले आओ तो पूर्णिमा की कथा, रामराज्य अभिषेक की कथा का रसपान करो, कथा विराम के दिन, और सायंकाल देव दीपावली का आनंद लो, और अगले दिन अपना प्रस्थान कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन का समय तो निकाला जा सकता है कि नहीं, कि कठिन है। अभी ससुराल से निमंत्रण आ जाए, भाइयों की ओर इशारा करके बोल रहा हूं, किसी के ससुराल से निमंत्रण आ जाए, देवी कह दे खबरदार चलना तो पड़ेगा ही, तो 2 दिन नहीं 3 दिन निकाल लेंगे, पर हमारे कहने पर देखते हैं हमारे कौन कौन भाई तैयार होते हैं, पता चलेगा। देव दीपावली पर आओ तो सही, उसका आनंद लो, उसका भी आनंद एक अलग है। भगवान शंकर
कहते हैं हे प्रभु, आपके चरणों का जल गंगा जल तो मैं कितने युगों धारण किया हूं, आज चरण कमल का स्पर्श चाहिए। प्रभु ने कहा जो चाहिए आज ले लो, आज के बाद रोना मत। तो भगवान अपनी माया डाल दिए। जब माया डाले तो यशोदा ने कहा बाबा ये बताओ हस्तरेखा देखना जानते हो? मैं 3 जन्म का हाल बताता हूं। 3 जन्म का? बोले हाँ। अच्छा माताएं बड़ी भावुक होती हैं जान लें कि बाबा हाथ देखना जानता है तो हस्तरेखा तो, और 3 ही प्रश्न होते, ज्यादा प्रश्न भी नहीं होते। पहला प्रश्न होता है मेरा बेटा पढ़ाई करेगा कि, दूसरा प्रश्न होता है बहू की बड़ी चिंता है। ये अलग बात है, बहू आने के बाद कहे सुनो मिस्टर इस घर में या तो बुढ़िया रहेगी या मेरा। एक बार यहां लोग पंजाबी समझते हैं, थोड़ा दृष्टांत के बोलूंगा मैं, पंजाबी जानते हैं कुछ लोग, यहां कुछ तो उसी समाज के बैठे हैं कुछ लोग जानते हैं। एक माई किसी बाबा जी के पास गई, संत के पास, महाराज कोई उपाय दसो साढ़े मुंडे तो सेहरा बन जाए, अर्थात कुछ उपाय बताओ कि मेरे बेटे की शादी। बाबा जी ने कहा बड़ा सरल है, क्या तू एक माला ले ले पीपल की परिक्रमा कर, धन वे पीपल धन साढ़े मुंडे ते सेरा बन, यही मंत्र दे दिया। आ वो बूढ़ी माई लगी फेरी लगाने, फेरी लगाई उसके बेटे की शादी भी हो गई। लेकिन समस्या क्या हुई, बहू ने कहा खबरदार या तो बुढ़िया रहेगी या। बुढ़िया ने सोचा हे भगवान अब मैं कहां जाऊं, तो उसने सोचा पंडित जी जो मंत्र बताए थे तो सीधी माला की तो मिल गई, अब उल्टी माला करूं तो ये फिर दोबारा सीधी कर लूंगा दूसरी आ जाएगी। अब उसकी परिक्रमा भी उल्टी हो गई, माला भी उल्टी हो गई और मंत्र भी उल्टा हो गया। मंत्र क्या बोल रही है, जय वे पीपल जय और जी में दीती ती में लय। अब ये मंत्र का जो चक्कर है ये बड़ी समस्या है। जय वे पीपल जय और जी में दीती ती में, अर्थात हे वासुदेव महाराज जैसे दिए हो वैसे ही, तो काहे को ये सब फेरी लगानी पड़े, काहे को चक्कर पड़े परिक्रमा में बाबा, पर चिंता तो बहु की होती। तीसरा प्रश्न, मेरे बालक पर किसी प्रकार से कोई संकट तो नहीं है? संकट की बात आती है मां घबरा जाती है। यहां हमारे प्रभु की माया, मैया कन्हैया कहा था कि बढ़ाई हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। भगवान शिव से मैया ने पूछा बाबा ये बता मेरा लाला पढ़ाई करेगा कि नहीं? अरे मैया आपके लाला जितनी पढ़ाई करेंगे कि संसार में कोई इतना आज तक पढ़ा ही ना होगा। माँ खुश हो गई, हर माँ की तमन्ना होती है। देखो हर पिता अपने बेटे से ज्ञान के मार्ग में पराजित होना चाहता है, और जब बेटा ज्ञान के मार्ग में पिता को पराजित करता है तो पिता गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। हर पिता की तमन्ना, हर माँ की तमन्ना है। कन्हैया कृपा करे जो सेवक बन के, यजमान नहीं कहूंगा सेवक, यजमान की व्याख्या अलग हो जाएगी, यजमान कहूं
सेवक बनना है भगवान के कि यजमान बनना है? सेवक। चलो अच्छी बात। तो हमारे कन्हैया के जो सेवक हैं, जिनके जीवन का यह संकल्प है, या जितने भी कन्हैया के सेवक आए हुए हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, हे कन्हैया, इनके बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा दो कि अपने अपने पिता, अपने अपने माँ का नाम ये रोशन करें और अपने माता पिता से ज्यादा योग्य होकर अपने माता पिता का नाम अमर करें। हर माता पिता की एक यही लालसा होती है। जब बेटा लायक हो, काम संभाल ले, तो फिर माता पिता निश्चिंत होकर भजन करने लगते हैं। चलो अब बेटा संभाल लिया, कोई चिंता, तो भजन करना है बैठ के, और चौथेपन में भजन तो करने चाहिए। पहला प्रश्न ज्ञान का, दूसरा विवाह का। जब विवाह का प्रश्न आया, भगवान शंकर हंस पड़े। अरे क्यों हंस रहा बाबा, क्या बात है? बोले आपके लाला जी इतने विवाह करवाएंगे कि पहचान नहीं पाओगी, मेरी बहुआ की पड़ोसी की है। क्यों? 16,108 विवाह होंगे, कोई एक दो नहीं। कितने? 16,108। 16,000 हमारे आपके मन की वृत्तियां हैं, ध्यान रखना। हमने आपसे एक दिन कहा था कि 108 के बारे में अलग समझा देंगे। 100 तो अप्सराएं थी, 16,000 हमारे आपके मन की वृत्तियां हैं। और कृष्ण की लीला में एक जगह हमने पढ़ा है ग्रंथ में, कपोल कल्पित बात नहीं है, जो गोपियों का भी वर्णन आया ब्रज में, 16,000 गोपियों का आया। द्वारिका की लीला में भी 16,000 का दर्शन करा रहे हैं, पर यहां भी 16,000। ब्रज की लीला में भी कन्हैया के सखा सुदामा है, मथुरा की लीला में भी कन्हैया के सखा सुदामा है, और द्वारिका की लीला में भी कन्हैया के सखा सुदामा ही है। हमने आपसे कहा ना कि ये प्रसंग तो इतने सारगर्भित है, हमारे मनीषी लोग एक एक श्लोक पर 7-7 दिन आनंद लेते हैं। आप लोग तो बड़ा भागी हो, कम से कम आप लोगों के अंदर एक संकल्प तो है कि रसपान करना है। एक व्यक्ति कल मैसेज किए भीड़ देख के, बोले आप पहली बार गए क्या? हमने कहा क्यों? बोले पहली बार इतनी भीड़ होती है? हमने कहा मैं तो गिनती नहीं गिना कितनी बार मैं यहां चूका, पर हर वर्ष आता हूं इतना मुझे याद है। बोले आप हर वर्ष जाते हो लोग ऐसे? तुमने कहा आश्चर्य की क्या बात इसमें? एक मैसेज कल था, उसको उत्तर दिया। हमने कहा जिस दिन तुझे तेरे समझ में कथा आ जाएगी बाबा, तो भूल जाएगा। ये कथा कोई किस्सा कहानी की नहीं, हृदय के तार खोलने वाली कथा है। और प्रायः कन्हैया की कृपा से कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर कथा में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रसंग तो वही रहते, प्रसंगों को नहीं छोड़ना, प्रसंग के साथ चलेंगे, प्रसंग के बगैर कथा नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई कृष्ण नया उद्गार। गलत हो तो हमारे भाई लोग ये श्रोता लोग बता दें गलत कह रहा हूं, क्यों? यही तो आप लोगों की श्रद्धा है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की श्रद्धा। जैसे श्रद्धा हो, जैसा प्रेम भाव हो, उसी प्रकार से उद्गम मिला करता है। एक सामान्य सी बात है, आपके पास दो व्यक्ति आए, एक के प्रति श्रद्धा ज्यादा हो गई तो उसका प्रेम आपको ज्यादा मिलेगा और उसके समक्ष आपके हृदय के उद्गार व्यक्त होने लगेंगे, लेकिन दूसरा मिला तो सही लेकिन उसके श्रद्धा में कमी रह गई तो आपके प्रेम में भी, आपके हृदय के उद्गार में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ये अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये आप लोगों की जो श्रद्धा है, आप लोगों का जो भगवान की कथा के लिए प्रेम है। कई बार तो एक बार की कथा में लोग कहते हैं बहुत हो गया, या तो हमारे भाई लोग कहते हैं जब तक हमारा जीवन है तब तक ये, कि 12 वर्ष की गिनती तक है, क्या है कब तक चलाना है? हमारे भाई लोग तो बैठे ही यहां, थोड़ा अपने अपने हाथ ऊपर करें ना, देखें सही। अच्छा तो चलो अच्छी बात है, देवियां कौन कौन चाहती है हर वर्ष, रंग का भी तो देखना पड़ेगा ना।
अच्छा देवियां भी जा रही हैं, तो अच्छी बात। आप लोगों के जो हृदय का उद्गार है, आप लोगों का प्रेम है, यही नए सूत्र प्रकट कर रहा है। वृक्ष वही है लेकिन उसमें नवीन नवीन शाखाएं प्रस्फुटित तो होती रहती हैं, नवीन नवीन पत्ते उसमें पल्लवित तो होते रहते हैं। वृक्ष तो एक ही है, कथा एक ही है, लेकिन इसके सूत्र, इसके सिद्धांत, ये आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास पर है। मैं तो इतने जानता हूं कि मेरी राधे, मेरे बांकी बिहारी की कृपा है कि आप लोगों के समक्ष ये सब सूत्र आ रहे हैं। आज आप लोगों को एक नया सूत्र दिया हूं, सात धातु वाला दिया दोगे, इस पर कभी प्रकाश डालूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आपके समझ में दर्शन आएगी। इस क्रम को हमको कैसे करना है, ये हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास है। तो 16,000 गोपियां, ध्यान रखना, 16,000 गोपियां हैं ब्रज में और 16,000 का वर्णन द्वारिका में। तीसरा प्रश्न, किसी प्रकार का कोई संकट तो नहीं है? जब संकट की बात आई, भगवान शंकर की ओर कन्हैया मुस्कुराए, ले लो चरण कमल। शंकर जी ने कहा, एक संकट तो है। संकट की बात सुनते ही, अच्छा मजे की बात एक और है, कोई संकट की बात आए, कोई समस्या आए, तो सबसे पहले हाथ कहां जाता है? सबसे पहले कोई समस्या, कोई संकट की बात आए, तो सबसे पहले हाँ, ऐसे होता है कि नहीं होता है? बोलो, क्यों होता है? पता है, ये भी नहीं पता है, तो हाथ कह रखते पर बार बार ऐसे। देखो, आपके हाथ में ये काली नाग बैठा है, कामना का नाग बैठा है। ये आपकी जो हथेली है ना, यही है रमणक द्वीप, यहां बैठा हूं और यहां प्रभु की कृपा बरसती है। प्रभु की कृपा, संत की कृपा यही होती है। समस्या इसके नीचे होती है, कृपा ऊपर होती है। हमको आपको भगवान की कृपा दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन समस्या दिखाई, जब समस्या दिखाई पड़ती कुछ नहीं सूझता, तो फिर ये हाथ, समझ गए? इसका ये कारण है, इसका ये मतलब। लेकिन जिस समय ऐसे हाथ करते हो तो कदाचित प्रभु का चिंतन करने लगो, तो कृपा का सूत्रपात होकर आपके कर्म में जो विकृति है वो विकृति दूर हो जाए और आपका कल्याण उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन हम सिर पकड़ के रोते हैं, भगवान अब कहां जाएं, क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा। कई लोग तो बाल नोचने लगते हैं, पर जो मैदान साफ कर चुके हैं तो क्या पकड़े। हमारे टीम में कई है, पूरा मैदान मार दिए। अब यह हो सकता है कि अपने आप झड़ गए हो या बार बार खींचते खींचते कैसे हो, भगवान जाने। ये भगवान की लीला, भगवान जाने। भगवान कृष्ण, शंकर, समस्या की जब बात आई, मैया ने कहा उसका उपाय, बोले उपाय है क्या? समस्या का उपाय है, अपने बालक के चरण कमल को मेरे शीश पर रख दो, इसको रख दो शीश पर, चरण को रखवा रहे हैं शीश पर। मैया कहती है, अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, आप महात्मा हो, मेरे बेटे को पाप नहीं लगेगा? अरे मैया, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनको पाप पुण्य नहीं लगता, तो जड़ी बूटी निकालना, लाला के पैर से छुपा दे। अरे मैया, तू सचमुच में बड़ी बाबरी है, बड़ी भोली है, देख डर मती, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, लेकिन
यदि मैं जड़ी बूटी को निकालता हूं तो उसका महत्व तो नष्ट हो जाएगा। मैया डरते डरते बालकृष्ण के चरण कमल को शंकर के शीश पर रख दी। जब शंकर के शीश पर रखी, भगवान शंकर दोनों हाथों से चरण कमल को पकड़ लिए। इसका एक और बड़ा सुंदर राज है, किसी महापुरुष से कभी कुछ पाना चाहते हो तो उसके चरणों में दोनों हाथ लगाना, एक हाथ मत लगाना कभी। और आज के लोग प्रणाम करते हैं तो कितने हाथ से। और वो भी ये पैर नहीं छू तो घुटना टेकते हैं। बोले बाबा तू तो मेरे सामने घुटने टेकेगा, बाबा को घुटना टेका देते, घुटने टेकते हैं। दोनों हाथों से चरण कमल को पकड़ना चाहिए। एक से पकड़े आप, एक की तो समस्या दूर हुई, पर एक में तो बनी है ना, तो समस्या तो वही है। किसी महापुरुष के चरण कमल को पकड़ना हो दोनों हाथों से पकड़ो। भगवान शंकर इसका संकेत कर रहे हैं, दोनों हाथों से पकड़ लिए, जोर से मले शीश पर। देवता पुष्प बरसाकर जय जयकार करते हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की। मैया कन्हैया को जैसे शंकर के शीश से अलग किए, बाबा ये बताओ कोई संकट आए तो आपका पता क्या है। बोले मैया जहां लाला जी को स्नान करवाओगे जल गिरेगा, मैं वहीं पिंडी के रूप में बैठा रहूंगा। और भगवान कृष्ण जब गोकुल से आगे बढ़े नंदगांव जिसको कहते हैं, तो नंदगांव कहाँ है पता है ना, गए हो किस पर्वत पर है? पर्वत नहीं देखे हो, पर्वत पर है नंदीश्वर पर्वत पर, वहां शंकर पिंडी बन के बैठे हैं। नंदगांव में देखना वो पिंडी के रूप में है, वो पूरा चढ़ाई चढ़ते ना ऊपर जाते हैं तो पूरा पिंडी के रूप में शंकर ही नंदीश्वर पर्वत बन के विराजमान है। वहां पर नील ज्योति है और बरसाना में जहां राधे हैं, राधा रानी है, ब्रह्मा जी पर्वत बन के आए हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत, वहां गौर ज्योति है। गिरिराज जी के लिए एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि साक्षात नारायण है, और एक प्रसंग यह भी है कि भगवान का हृदय ही द्रवित होकर गिरिराज बना है, ऐसा भी प्रसंग हुआ। मानसी गंगा के कई प्रमाण है, एक तो भगवान के अक्ष भी कहते हैं, नेत्र भी। अच्छा आप लोग गिरिराज जी परिक्रमा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी एकाध बार मां की कृपा हो आप लोग मानसी गंगा की परिक्रमा करो। मानसी गंगा की परिक्रमा का अलग फल है, उसका अलग महत्व। मानसी गंगा क्या है? मानसी गंगा में स्नान कर, चूंकि जल मटमैला हो गया आप तो, पर फिर भी कुछ व्यवस्था हो गई है, जल का छीटा लेने में कोई समस्या नहीं है, प्रणाम करना, हम लोग तो स्नान भी कर लेते हैं, चेहरा काला नहीं पड़ता, हो जाएगा तो क्या करना ना देखे कोई, चेहरा कोई देखे ना देखे क्या करना हमको, काला रहे चाहे गोरा रहे उसे क्या मतलब, हृदय काला ना हो बस, इसका हम ध्यान रखें, बाकी बाहर तो कैसा भी चल जाएगा। यहां का कालुष धुलना चाहिए जिससे हमको कृष्ण दिखेगा, बाहर के प्रकाश से कुछ दिखने वाला है नहीं। मानसी गंगा में सारे तीर्थ हैं। एक प्रसंग आता जब कृष्ण को ब्रह्महत्या लगी थी, राधा रानी ने कहा कि जाओ सभी तीर्थों में स्नान करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, तब ब्रह्महत्या से मुक्ति मिलेगी। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। राधा रानी ने कहा केशव आप चले जाओगे तो मैं रहूंगी कैसे, आप ही तो कहते हैं केशव आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्या सारे तीर्थों को प्रकट नहीं कर सकते। तब भगवान अपने मन से सभी तीर्थों का आवाहन करके प्रकट किए, सनातन धर्म के जितने तीर्थ जितने सरोवर नदियां हैं सब मानसी गंगा में समाहित हैं, और उनकी प्रदक्षिणा का फल है कि समस्त तीर्थों की प्रदक्षिणा
और मानसी गंगा की प्रदक्षिणा में ज्यादा समय नहीं लगता। कभी इच्छा हो तो चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले बोले तुम तो कोई काम धाम है नहीं करना है, चल देंगे। चलो आप लोग देखो टाइम है कि नहीं, यहां तो बाबा बैठे हैं, चलो यहां के बाद भी वहीं जा रहे हैं। और इस बार तो जहां सनकादिकों की तपस्थली है वहां जाना है। क्यों ऐसी जगह क्यों जाते हैं, वहां से जो शक्ति मिलती उला के आप लोगों को बांट देते हैं। आपको पता है नेवला सर्प की लड़ाई होती ना, कई बार नेवला सर्प के डंग से मूर्छित हो जाता है, लेकिन नेवला को पता है जड़ी बूटी कहां है, वो जाके जड़ी बूटी सूंघ लेता है। एक बार में नहीं मार पाता, कई बार जड़ी बूटी सूंघनी पड़ती तब सर्प को मार पाता है। ये भगवान की जो माया है ये सर्पणी है, इस माया से यदि आपको बचाना है या बचना है तो संत रूपी जो सर्वौषधि है, सत्संग रूपी सर्वौषधि है, उसका सेवन तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और उसका सेवन जब करके आएंगे तभी आप लोगों को इस माया के बंधन से मुक्त करवाकर कन्हैया की गोद में बैठाकर आपका कल्याण करेंगे। इसके लिए साधक लोग जाया करते हैं। भगवान शिव भी है वहां, ब्रह्मा भी है, सारे तीर्थ है। भगवान शंकर ने कहा जहां बालक को स्नान कराओगे पिंडी के रूप में, इसके बाद हमारे प्रभु के नामकरण संस्कार की लीला है। आइए थोड़ा सांकेतिक दर्शन करके गिरिराज जी के पास पहुंचाते हैं आप लोगों को, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दर्शन। आप घड़ी मत देखें, मैं देख रहा हूं, मैं टाइम की बात किया, लोग सोचे चलो आराम तो मिला, जल पौने सात हो गए क्या जरूरी है। अच्छा हमारे साथ भी समस्या, घड़ी तो मैं रखता हूँ, ऐसा नहीं भाई लोग देते बांध लेता हूँ पर कथा उतार के फेंक देता हूँ, और वैसे भी हमारी घड़ी प्राय खराब रहती है, ठीक ही नहीं होती। आप कहोगे मैं दूसरी ला के कले दे दूंगी, मत लाना, लाओगे वो भी खराब हो जाएगी। वो कैसे खराब घड़ी है आप उसको नहीं समझोगे, घड़ी कितनी खराब हो लेकिन 24 घंटे में दो बार समय सही बताती है, ध्यान रखना। हमारे जीवन की घड़ी कैसी है हमें इससे मतलब नहीं है, कृष्ण जाने मेरी राधे जाने, लेकिन दो समय हमको संभालना है, एक जन्म का और एक मृत्यु का। दो समय हमारा सही रहे बाकी हमें कोई चिंता नहीं। घड़ी खराब कितना ही हो पर दो बार तो समय सही बताती है, वो समय सही कर लो। हमारे प्रभु के नामकरण संस्कार की लीला। वसुदेव जी ने कहा गुरुदेव आपके शिष्यों का नामकरण नहीं हुआ है, आप जाकर के नामकरण करें, लेकिन एक प्रार्थना है, नामकरण तो करें लेकिन भेद नहीं खोले। गर्गाचार्य जी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे, चल पड़े, बाबा देखे गुरुदेव आए हैं मारे खुशी के उछल पड़े। क्यों क्या कहते हैं एक बड़ा सुंदर भाव, एक लाइन बोल दो, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। आज गर्गाचार्य जी के जीवन में जो खुशी आई क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, आइए एक लाइन उसकी चर्चा करेंगे, फिर तो गुरु पूर्णिमा में इस बार आप लोगों के साथ हैं, देखेंगे कितना रस निकालोगे आपका विषय है। मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन दोबारा न मिलता। मुझे गुरुदेव तेरा सहारा,
शरीर यहाँ बैठा है। मेरे गुरु गोविंद मेरी राधे की तो कृपा है, और है किसकी? मुझे गुरुदेव तेरा सहारा मिलता, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। जिसको गुरु के सहारे की आवश्यकता हो, इस लाइन को जरूर बोलो और उच्च स्वर से बोलो, मत सोचो कि संदेह भंग होगा। कुछ बोलना पड़ता है कुछ पाने के लिए। गुरु भले सामने ना हो, लेकिन गुरु की कृपा आपके सामने रहा करती है। प्रयास करना। मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। इस मस्ती को भी छोड़ो, इसको 16 तारीख को दे देंगे, चिंता नहीं करना। इस बार कई भाइयों को हमारे बड़ी उत्कंठा है भजन संध्या की, पर एक बात ध्यान रखना भाई, मैं कोई भजन गायक हूं नहीं, भजन गायक तो हमारे साथ है सर, ये कलाकार मंडली है। अब आप लोगों को अपना स्वाद बिगाड़ना हो तो मुझसे बुलवा लेना। देखो बासमती चावल की खीर हो तो अच्छी लगती कि नहीं? बासमती चावल की खीर अच्छी लगती है, पर उसमें यदि कंकड़ आ जाए तो स्वाद बेकार हो जाता है। तो ये हमारे कलाकार लोग तो बासमती की खीर परोसेंगे, यदि आप परेशान होकर मुझे बीच में लाए तो मैं तो कंकड़ ही निकालूंगा भाई। मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, मुझे गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, जीवन हमारा दोबारा न मिलता। बाबा आनंद अपने गुरुदेव को देखकर भावुक हो गए। हे गुरुदेव, आपकी तो कृपा है, इस अवस्था में मेरे यहां इतना सुंदर बालक आया। गुरुदेव का सत्कार कर नामकरण के लिए गए। देखो आपके अंदर निष्ठा विश्वास हो, यहां पर हमारे कन्हैया के भक्त बैठे हैं, राम की कथा करवाए थे भी कुछ दिन पहले, भागवत की कथा में जब मिले तो दोनों की एक इच्छा थी, हमारी एक इच्छा है। और भक्त जी क्या, जब मैं गया एक बार बीच में तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये आए, बालक नहीं बालिका आए। हमने कहा काहे को परेशान हो, बालिका ही आएगी। और सामने की बात, सामने बैठे मैं बोला हूं, हमने ही कहा तो बालिका ही आएगी। अरे बोले कथा का फल मुझे यही चाहिए, तो हमने कहा एक वर्ष के अंदर फल मिलेगा, और अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ फल मिल गया, गलत है क्या? बोलो। हमने कहा दिया आपको कथा का यही फल लेना तो लो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कन्हैया का हमारे भंडार है, आपको जो चाहिए लो। ये देवी सामने बैठी नाम नहीं लोगा, बहुत भावुक हो रहे तुम्हारे, अरे कृपा कर दो। हमने कहा मेरे भागवत जी को प्रणाम करो ना, मेरी भागवत जी जो चाहे दे देते। मैं तो आप लोगों को भी कहता हूं, जिसको जो चाहिए मानो, मगन भागवत जी से काहे गिड़ला, तो यहां वहां हाँ आपको भी चाहिए ना, उसी मुद्रा में आओ, वही भाव लेकर के आओ, आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। लेकिन जब भाव पक्ष आपका कमजोर होगा तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा ये बताइए, हम दूध डालें किसी पात्र में और उसमें कचड़ा पड़ा है पहले से, अब दूध बेकार हो जाए
तो किसका दोष है? दूध डालने वाले का, दूध का, वही समस्या है बस। नंद का भाव कितना गजब का है, आज आपकी कृपा से यह हुआ है, नामकरण संस्कार की तैयारी। लेकिन दोनों देवियां बड़ी चतुर थीं, यशोदा की गोद में बलराम, रोहिणी गोद में कृष्ण। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, अरे नंद तुम्हारी देवियां तो बड़ी चतुर हैं, लेकिन एक बात सुन लो, अयम रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्याशते राम इति बलाधिक्यात बलम विदो। ये जो बालक यशोदा की गोद में है, ये यशोदा नंदन नहीं है, ये रोहिणी नंदन है। और जो बालक रोहिणी की गोद में है, ये रोहिणी नंदन नहीं, ये यशोदा नंदन है। आयम रोहिणी पुत्रो, ये है ये रोहिणी पुत्र। दोनों देवियां देखी, बाबा तो जान गए इस बालक का नाम होगा राम, जो समस्त भक्तों के हृदय में रमण करे। सामान्य नहीं, बलराम कहेंगे। ये बलराम और कृष्ण क्या है? कृष्ण है पुरुष और बलराम है प्रकृति। बड़ी विलक्षण लीला है भैया, ध्यान रखना आप लोग। इन लीलाओं को समझने के लिए उसकी कृपा हो जाए, समझ जाए। आप कह दोगे एक तरफ तो नारी को प्रकृति बताते हो आप, नर को पुरुष, और यहां तो उल्टा है। बलराम प्रकृति है, पहले प्रकृति है बाद में पुरुष है। बलराम पहले आए हैं, कृष्ण बाद में आए। आए रोहिणी की गोद में है, लेकिन है यशोदा के पास। क्यों? प्रकृति का एक काम है यश का दान करना। एक ही प्रसंगों को क्या सुंदर सजाया है, क्या गूढ़ रहस्य छुपा दिया शब्दों में। प्रकृति यश का दान दूसरों को करती है, इसलिए इसको छुपाया इस खेल को। यूं प्रसंग है बाबा। लेकिन इस बालक का नाम सामान्य राम नहीं, बलाधिक्यात बलम विदुः। इसके अंदर अपूर्व बल होगा, विलक्षण बल होगा, लोग बलराम के नाम से जानेंगे। एक नाम होगा संकर्षण, और दूसरा जो बालक है रोहिणी की गोद में, रोहिणी की गोद में तो है, लेकिन रोहिणी का है नहीं है ये यशोदा का। रोहिणी क्या है? नक्षत्र ही तो है, और सारा खेल नक्षत्र का है। रोहिणी गोद में कृष्ण क्यों है? आपका नक्षत्र यदि गड़बड़ है तो उस नक्षत्र में बैठा लो कृष्ण को, सारी समस्या दूर। हर किसी का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में ही हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। आए यशोदा की गोद से, बैठे हैं रोहिणी की गोद में, रोहिणी नक्षत्र है। आपका नक्षत्र गड़बड़ चल रहा, बैठा लो कृष्ण को, सारी समस्या दूर हो जाएगी। या तो एक ही की लीलाओं में इतना सुंदर रस दे दिया है, हमारे रसिक लोग इसी पर आनंद लेते हैं कि एक शब्दों पर। ये जो बालक रोहिणी की गोद में है, ये यशोदानंदन है। आसन वर्णास्त्रयो यश्य ग्रहणतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगता। इसके पहले भी आ चुके हैं रक्त पीत श्वेत, इस बार कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए एक नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? करसत अपनी ओर जो कहलाता है कृष्ण, सदगुरु जैसे शिष्य को सहलाता है कृष्ण। कृष्ण भूवाचको शब्द अणश्य निर्वृत्ति वाचिका कृष्ण त्यभिधीयते। क्री कहने मात्र से राधा और कृष्ण का बोध हो जाता है। क्री शब्द कहने से दोनों तत्व का बोध हो जाता है, अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। नकार शब्द का उच्चारण करने का मतलब निवृत्ति के मार्ग में हमारा प्रवेश।
नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी किरकिलाए। इसके बाद हमारे प्रभु थोड़े से बड़े हुए, घुटनों के बल चलते हैं। सारे जगत को जो चलना सिखाता वो घुटनों के बल चल रहा। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव जानुभ्याम शह पाणिभ्याम रिंगमाणव विजहर तो। मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करते, जाकर रज में लोटपोट हो जाते हैं, कीचड़ में लुटते हैं, आग पकड़ लेते हैं, गाय बैल की सींग पड़ के लटक जाते हैं, नंद यशोदा दौड़ते हैं। जब कीचड़ में कन्हैया लौट रहे थे, यशोदा उठाई छड़ी, अरे तुम सू करो सिकत जन्म से पूतना रे, अरे पूतना के शत्रु तू सुवर था क्या? भगवान मुस्कुरा के थे, हम तो भगवान सुवर थे नहीं? अरे बाबा बारह बन के कौन आया था? भगवान बारह का अवतार हुआ कि नहीं हुआ है? तो बारह कौन हुआ? तो भगवान बारह रूप में आते हैं। क्यों? इस पृथ्वी के दो रूप हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी साधुविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। फिर एक नया सूत्र आ रहा, चलो इसको भी रोकते हैं। इस पृथ्वी के दो रूप जिसमें बैठे हो आप, एक स्वरूप है नित्य का और एक है अनित्य का। अनित्य का जो स्वरूप है केवल कार्य करता है, कार्य के लिए परेशान करता है अनित्य का, और नित्य का प्रमाण देता हूं। साधुविधा नित्या अनित्या च, नित्या प्रमाण रूपा नित्या कार्य रूपा, तत्र गंधवती पृथ्वी। भगवान बारा इस रूप में क्यों आए? गंध का बोध कहां से होता है? इतना तो बोल ही सकते हो, घ्राणेन्द्रिय से। और दूसरा भाव सूकर रूप में क्यों आए? सूकर रूप में इसलिए आए कि आपकी गंदगी को दूर करने के लिए। सूकर जब गंदगी दूर करता है तभी हम प्रसन्नता से रह पाते हैं। पृथ्वी के दो रूप, यह भी नई बात हो गई आप लोगों के लिए। बहुत सारी समस्याएं, एक जाते नहीं दूसरी टपक पड़ती, यही तो समस्या है। तो अभी हम लोग जिस पृथ्वी में चल रहे हैं वो कार्य रूप में है, और वो पृथ्वी है अनित्य, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। तो हम जिस पृथ्वी में हैं कार्य रूपा में, वो अनित्य है, इसलिए हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं उसका समुचित हमको फल मिलता, उसका असर हमारे ऊपर होता नहीं। भगवान बालकृष्ण प्रभु को मैया कहती तू सुवर था, भगवान मुस्कुरा के बोले हां सुवर था। इसके बाद हमारे प्रभु थोड़े से बड़े हुए हैं, नृत्य किए हैं, मैया की उंगली पकड़ करके नाचे भी हैं। किसी ने पूछा आपको नाचने में समस्या नहीं होती? भगवान ने कहा जब 84 लाख योनियों में जीव को नचाया उसको समस्या नहीं हुई, तो उसके सामने मुझे नाचने में क्या समस्या। इसके बाद हमारे प्रभु की लीला है माखन चोरी लीला, आइए थोड़ा उसका दर्शन करें। भगवान माखन चुराए हैं, लेकिन कौन सा? पहले एक लाइन थोड़ा दूसरा भाव उनको दे दे, मन माखन मेरो चुराए गए रे। मन माखन मेरो चुराय गयो रे, मन माखन मेरो चुराय गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चुराय गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चुराय गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन।
चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन कारो कारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन कारो कारो मोहन माखन मेरो। अच्छा किस किस का मन माखन चोरी हुआ थोड़ा ऐसे तो हाथ करो। अभी सबको यही रोक लेता हूं, इसको पूरा करूंगा गुरु पूर्णिमा में, चिंता नहीं कर। क्यों वो तो सौ सौ तीर चलाए गयोरे प्यारो प्यारो सौ सौ तीर चलाए गयोरे प्यारो 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 मोहन प्यारो प्यारो मोहन मतवारो मोहन मतवारो मोहन माखन मेरो चुराए गयो माखन मेरो चुराए गयो प्यारो प्यारो मोहन 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 माखन मेरो चुराए गयो प्यारो प्यारो हमारा कन्हैया। यही तो बीमारी आप लोगों ने दे दी है ना, ये नए नए पता नहीं कहां से कीर्तन भजन। अच्छा झंझट हम ही पालते हैं, थोड़ा सा छेड़ देंगे फिर आप लोग छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। कहोगे पूरा कर, पर ये पूरा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आज अपने कलाकारों को सिंपल दिया हूं ना, क्योंकि इनसे पहली बार इनके सामने बोला हूं, ये सब हमारी और इसलिए देख रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं। कई ऐसी लाइनें आज पहली बार आ रही हैं, तो ये भी पहले इशारा करते हैं कि आप ही शुरू हो तब मैं बैकग्राउंड में चलूं भाई। इसीलिए मैं कई बार जब बैठता हूं ना अपने कलाकार भाइयों के साथ, ये कलाकार नहीं हमारे साथ भाई हैं, चाहे आचार्य हो चाहे संगीतज्ञ, ये हमारे छोटे भाई हैं, ना मैं इनको कलाकार मानता ना आचार्य मानता। तो जब कई बार बैठ के कोई चर्चा करें तो कहते चर्चा करना इनके साथ बेकार है, हम लोग यहां से कुछ चर्चा करते हैं और हिसाब बना के बैठे रह जाते हैं और पता लगता उसका नंबर ही नहीं आता। हम कहते हैं क्या करें, चाहते तो हम भी वही है कि जो रट के आए वही बोले, पर यहां के हम भूल जाते हैं, यहां आने के बाद भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। ये पता नहीं मेरा कन्हैया मेरी राधे ये क्या खेल कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों
मनो माखन मेरो चुराय गयो प्यारो प्यारो मोहन मनो माखन मेरो चुराय गयो रे प्यारो प्यारो मोहन। तो कन्हैया माखन चोरी लीला ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर बैठ के कहते हैं, मित्रों अपन माखन चोरी करेंगे। अरे कन्हैया घर में इतनी गाय पेट नहीं भरता। कन्हैया ने कहा जो आनंद चोरी के मक्खन में घर के मक्खन में ना है, पकड़े गए तो मार पड़ेगी। बोले चिंता ना करो, अपन एक मंडल बनाएंगे। मंडल उसका नाम क्या होगा? बाल गोपाल माखन चोर मंडल। अध्यक्ष कौन बने? अच्छा अध्यक्ष बनने की बड़ी समस्या होगी। एक बात ध्यान रखना, कभी किसी संस्था और समिति को सुचारू रूप से चलाना, अच्छे रूप से चलाना ना, उस समिति का अध्यक्ष कन्हैया को बनाना। कोई व्यक्ति इसमें अध्यक्ष नहीं हो, ये जो समिति चल रही है इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, इसलिए चल रहे हैं। अन्य अध्यक्ष पद आ जाएगा फिर भी चला जाएगा, और कदाचित ऐसी वृत्ति आए तो कृष्ण को बना देना, अध्यक्ष कृष्ण बाकी सब सेवक, उनका आदेश सर्वोपरि। ग्वाल वालों ने कहा देखो पकड़ेगा तो मार पड़ेगी, नहीं अपन लोग ऐसा कर खेल करेंगे कोई जान ना पाएगा। एक मंत्र दिए, एक ऋषि हुई है कफल्लक जो चौर विद्या का मंत्र प्रकट किए थे, उसमें 6 अक्षर हैं, उसका चिंतन कर लो सिद्धि कर लो, कहीं आ जाओ कोई देख नहीं पाएगा। पर चिंता मत करना, ऐसा मंत्र नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि लाख लगे लगे गायब हो जाता है ऐसा मंत्र सुन के तो और समस्या हो जाएगी। भगवान ग्वाल वालों के साथ मंडल बनाते हैं, बाल गोपाल माखन चोर मंडल। बाल गोपाल माखन चोर मंडल भगवान जब लीला करने गए तो क्या करते हैं, एक साथ बछड़ों को खोल देते हैं। जब बछड़ों को खोलते हैं गोपियां जाती हैं बछड़ों को पकड़ने के लिए, ये अंदर जाते हैं, मक्खन निकाले मक्खन खाए मटकी तोड़ देते हैं। गोपियां आवाज लगाती हैं, अरे लाला जी बछड़ों को बांधो ना। हमारे कन्हैया जी कहते हैं देखो भाई मैं बांधने नहीं आया हूं, मैं खोलने के लिए आया हूं। कन्हैया मक्खन खाए अंगूठा दिखा के ऐसे ना? अच्छा किसी को ऐसे दिखाओ तो रसगुल्ला तो खिलाएगा, रबड़ी रसमलाई जरूर खिलाए जैसे दिखाओ किसी को। और कन्हैया ऐसे ही करता है। इस अंगुष्ठ पर आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, आज उसकी व्याख्या दोबारा नहीं करूंगा, इस विषय को बता चुका हूं कुछ उससे अलग, इसका राज क्या है। और यही है महत्वपूर्ण खेल आपके जीवन का, इसको समझ जाओ जीवन संभल जाएगा। गोपियां मैया के पास शिकायत करने जाती हैं। अच्छा गोपियों के लिए एक और समस्या थी,